हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी आपकी एक्टिवा या फिर बाइक का कोई भी पार्ट अगर रीपेंट करना है तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने पेंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया है। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 600 ग्रिड का वेट एंड ड्राई सैंड पेपर ले लेंगे। 600 ग्रिड के सैंड पेपर से हम सबसे पहले हमारा जो वर्क पीस है जिस पे हम पेंट करने वाले उसे उस पे हम वेट सैंडिंग करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी पीस के ऊपर पेंट स्प्रे करने वाले हो तो उसके पहले वो पीस के ऊपर पेपर से सैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल रहता है सैंडिंग करने से वो सब डस्ट पार्टिकल निकल जाता है और हमारा जो पेंट रहता है वो अच्छी के तरीके से उस पीस के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक के रहता है। अगर आप बिना पेपर से सैंडिंग किए अगर आप डायरेक्टली अगर वो पीस के ऊपर पेंट करते हो तो कुछ समय के बाद आपका जो पेंट है वो पपड़ी बन के निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ किसी चीज़ की वजह से वहाँ पर थोड़ा निशान आ चुका है पीस के ऊपर, तो उस जगह पर हम थोड़ा सा और पेपर से कटिंग करेंगे और जो रफनेस आ गया यानी कि स्क्रैचेस वगैरह आ गया उसको हम पेपर से कटिंग करके स्मूथ कर लेंगे, जिसकी वजह से जब हम पेंट करेंगे उसके ऊपर तो हमें जो जो स्क्रैचेस दिख रहा था वो दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे पूरे पीस के ऊपर वेट सैंडिंग हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर लेंगे। वेट सैंडिंग करने के बाद हमारा जो वर्क पीस है वो डल हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब हम पेंटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे बेस कोट का एक लेयर अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट कोट है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम सेकेंड कोट इस पे अप्लाई करेंगे और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट कोट जो है वो मारने के बाद यहाँ पे पूरा डल हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे शाइनिंग देने के लिए हमें क्लियर कोट मारना पड़ता है। तो चलिए अब दोस्तों हमारा सेकंड कोट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड कोट भी हमारा अप्लाई करके हो चुका है, स्प्रे करके हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा ये जो वर्क पीस है वो कम्प्लीटली सेकेंड कोट भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लियर कोट अप्लाई करते हैं इस पीस के ऊपर। तो दोस्तों, हमारा जो वर्क पीस है वो अभी तक फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट ड्राई होने के बाद जो डल पड़ जाता था, तो क्लियर कोट मारने के बाद हमारा जो वर्क पीस है वो उसमें शाइनिंग आ जाता है और वो उसके बाद क्लियर कोट मारने के बाद उसमें डलनेस नहीं आता। तो बेसिकली क्लियर कोट इसलिए मारा जाता है ताकि हमारा जो वर्क पीस है वो अच्छी तरह से शाइन करे इसके लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा पेंटिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमें ये पेंट होने के बाद कैसा दिखता है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बिफोर आफ्टर के फोटो में काफ़ी सारा फर्क लग रहा है। हमारा पेंट पूरा रिस्टोर हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।